प्रपोजिशन। आज मैं आपके सामने ले गया कक्षा 11 के पहला लेसन इंग्लिश कोर्स का, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यानी कि माय स्ट्रगल, स्ट्रगल कहते हैं परिश्रम करना, एक संघर्ष करना, तो मेरा संघर्ष फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए, यानी यहाँ पर जो राइटर है उसने क्या संघर्ष किया है पढ़ाई के लिए, जिसको ऊपर लिखा है ब्रूकर टी वॉशिंगटन। तो ब्रूकर टी वॉशिंगटन का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, कि हम लेसन के लास्ट में उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। हम इनके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो नैरेटर इज अ पुअर लेबर, यानी कि जो लेखक है वो क्या है, एक गरीब मजदूर है, और दैट वर्क्स इन अ कोल माइन, जो कि क्या है एक कोयले की खान में काम करता है। लेसन की हम बात कर लेते हैं, तो लेसन में अमेजिंग स्कूल, एक अद्भुत, एक बहुत ही सुंदर विद्यालय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। Heard about, यानी कि लेखक है उसने सुना है, इसके बारे में सुना है, अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, ये स्कूल का नाम है आपका हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो कि स्थित है वर्जीनिया में। तो उसके बारे में ये लेखक जो बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस स्कूल के बारे में उसने सुना है। और उसने कैसे सुना कि हिज फेलो माइनर्स वर टॉकिंग अबाउट दिस स्कूल, फेलो माइनर्स यानी कि जो उसके सह जो मजदूर थे, जो उसके साथ में जो काम कर रहे थे, दूसरे कोल माइन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन्हीं में से कोई दो वर्कर जो कोल माइन में काम करते कोयले की खान में, वो आपस में बात कर रहे थे इस स्कूल के बारे में। स्कूल वॉज फॉर कलर्ड पीपल, कलर्ड पीपल कहते हैं अश्वेत लोग, वो जो स्कूल था वो अश्वेत लोगों के लिए था। केवल राइटर वॉज मच इम्प्रेस्ड, जब धीरे धीरे वो कॉल माइनर्स स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, उसकी बिल्डिंग के बारे में, उसकी हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो जो लेखक है वो उसे बहुत ज़्यादा उनकी बातों से प्रभावित हुआ, एंड डिटरमाइंड फर्मली, डिटरमाइंड को मतलब निश्चय करना, यानी कि उसने एकदम निश्चय कर लिया, और फर्मली का मतलब है दृढ़, दृढ़ यानी कि पक्का, उसने एक पक्का निश्चय कर लिया कि हाँ अब वह स्कूल में ज़रूर जाएगा, टू गो देयर, वहाँ जाने। डिपार्चर फ्रॉम होम, अब जब वो घर से निकला तो उसके जो यात्रा है वो कैसी थी, इससे जब वो घर से निकल रहा था तब क्या क्या कंडीशंस थी। सो फर्स्टली इन 1872 में डिटरमाइंड टू गो टू हैम्पटन, उसने क्या है हैम्पटन जाने का निश्चय किया। हैम्पटन में क्या है, हैम्पटन में ही ये स्कूल है। हैड अ लिटिल मनी फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अब जैसे उसको ऊपर दिया है कि पुअर लेबर, वह क्या है एक गरीब श्रमिक था, यानी कि मजदूर था, उसके पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो जब उसने अपनी यात्रा शुरू की तो उसके पास यात्रा के खर्चे के लिए, किराए के लिए, खाने पीने के लिए, क्योंकि उस समय 1872 की बात है, तो 1872 में इतना ज़्यादा कन्वेंस तो था नहीं जिस तरह से आज है, तो उस लिए उस खर्चे के लिए कई दिन लग गए थे उनको, तो उसमें जो खर्चा होना था उसके लिए उनके पास बहुत ही कम पैसा था। हिज मदर वॉज फियर्ड, जो उसकी माता जी है लेखक की वो डरी हुई थी। अब डरी हुई क्यों थी, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा पर जा रहा है वो, एक स्कूल में, एक ऐसे स्कूल में जो पता भी नहीं किया उसका एडमिशन ले या ना ले, उसके पास पैसे भी नहीं है और वो बीमार भी है, तो इसीलिए वो डरी हुई थी। एंड अलाउड हिम हाफ हर्टेड कहते हैं, यानी कि आधे अधूरे मन से, जैसे हम किसी भी काम को ज़बरदस्ती करते हैं तो उस तरीके से होता है कि आधे अधूरे मन से, तो उसने अलाउ तो कर दिया। जब उसने देखा कि लेखक बहुत ज़्यादा जब निश्चय उसने कर लिया है, वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा हुआ कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, तो उसने क्या है आधे अधूरे मन से परमिशन दे दी। एज शी वॉज अनहेल्दी, और वो क्या है बीमार थी। जब वह घर से निकला तब स्टार्टेड विद अ स्मॉल सेंसल कैरिंग फ्यू आर्टिकल्स इन इट, यानी कि जब वह घर से निकला तो उसने एक छोटा थैला लिया, सेंसल मीन्स थैला, कैरिंग फ्यू आर्टिकल्स इन इट, और इसमें क्या है बहुत ही थोड़ा सा सामान था। डिस्टेंस टू हैम्पटन फ्रॉम हिज होम इज 500 माइल्स, यानी कि उसके घर से हैम्पटन की जो दूरी है वो 500 माइल है, 500 मील यानी कि। हिज जर्नी, उसकी यात्रा, कवर्ड सम डिस्टेंस बाय वॉकिंग, और कुछ यात्रा जो है उसने पैदल चल करके दूरी पूरी की, उसने बैगिंग राइड्स यानी कि उसने क्या लिफ्ट मांगकर, इन वैगन्स, वैगन्स कहते हैं घोड़ा गाड़ी जो हुआ करती थी उसमें, तो कुछ दूरी तो उसने पैदल चलकर पूरी की, कुछ उसने घोड़ा गाड़ी और कार जिसमें भी उसको लिफ्ट दे दी उसमें लिफ्ट में चढ़ करके उसने अपनी यात्रा को पूरा किया।
रीच द सिटी ऑफ रिचमंड आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो रिचमंड की सिटी है वहाँ पर वो पहुँचा आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, यानी कि कई दिनों के बाद, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज कई दिन बाद। नाउ अब हैम्पटन वॉज 82 मील्स अवे, अब जहाँ पर वो पहुँचा था रिचमंड की सिटी में, वहाँ से जो हैम्पटन है वो 82 मील दूर रह गया था। रीच्ड इन रिचमंड लेट इन द नाइट, यानी कि रिचमंड की सिटी में जब वो पहुँचा तो बहुत रात हो चुकी थी, काफ़ी रात तक मैं वो वहाँ पर पहुँचा। स्पेंड द नाइट ऑन ग्राउंड, यानी कि उसने जो रात है, क्योंकि पैसे उसके पास थे नहीं ताकि वो होटल में जा सके, तो इसलिए उसने क्या निश्चय किया, जो ज़मीन पर ही सोया। हैड नो मनी नाउ, उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि लेबर था, लेबर और दूसरा जब उसने घर से यात्रा शुरू की तब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसने कुछ पैसे अपने भाई से भी लिए थे लेकिन इतने ज़्यादा पैसे नहीं हो पाए। फोर्स्ड टू स्लीप ऑन रोड साइड, यानी कि अब जब मजबूरन ही उसको क्या है, जो सड़क के किनारे पर उसको फुटपाथ जिसको कहते साइड में, वहाँ पर सोना पड़ा। वॉक द स्ट्रीट्स टिल मिडनाइट, और यानी कि आधी रात तक क्या है वो जगह ढूंढने में गलियों में घूमता रहा कि कोई काश के मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर क्या रात में गुजार सकूँ। लेड अंडर द साइड वॉक, साइड वॉक हम फुटपाथ को कहते हैं, तो वो क्या है साइड वॉक में, अब ऊपर की तरफ होता तो नीचे एक जगह होती है ऐसे साइड में, वो होता है साइड वॉक हम उसको बोलते हैं, वहाँ पर ले जो थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है, तो उस जगह पर वहाँ पर वो लेट गया, लेट मतलब लेटना। साइड वॉक फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर ही हो गया रात गुजारने के लिए लेट गया। कुडंट स्लीप प्रॉपरली, लेकिन वो क्या है मतलब ठीक तरीके से सो नहीं पाया। ठीक तरह से क्यों नहीं सो पाया, जब साइड वॉक अभी मैंने बताया नीचे जगह होती है, वो उसमें वहाँ पर लेट गया, थैले को अपने सर के नीचे उसने तकिया बना लिया, वो लेट गया, तो ऊपर से जो भी यात्री जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, साइड से गाड़ियाँ जा रही थी, तो उनकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी और जिसकी वजह से वो सही तरीके से नहीं सो पाया। पूरी रात साइड वॉक के नीचे गुजारने के बाद न्यू डे, एक नया दिन उसके आया, और हिमसेल्फ रिफ्रेश्ड बट वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, उसने अपने आप को तरोताज़ा तो पाया, एकदम एक रिफ्रेशमेंट उसने महसूस किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भूखा था। वॉक इन अ वेसल टू अनलॉक फॉर ब्रेकफास्ट, वेसल का मतलब वेसल तो बर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर जो वेसल का यूज़ किया गया है वो वेसल का यूज़ किया गया है जो पेड़ा जो जहाज़ होता है, जो पानी का जहाज शिप होता है, वहाँ पर बड़े बड़े कार्टून्स आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, तो वहाँ पर वो गया टू अनलोड, यानी कि उनको उतारने के लिए फॉर ब्रेकफास्ट। उसने उसकी कोई मजदूरी नहीं ली, उसने कैप्टन से वहाँ पर जाकर बात की और उसने कहा मुझे केवल खाना खाना है, मुझे केवल नाश्ता करना है, नाश्ते के लिए मुझे थोड़ा सा काम करने दें। कंटिन्यूज वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट, अब जो वहाँ का कैप्टन था वो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ उसके काम से, इसीलिए उसने काम पर रख लिया और वो उसने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट, एक छोटी सी मजदूरी के लिए उसने वहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम करना जारी रखा। जब उसने आफ्टर सेविंग इनफ मनी, यानी काफ़ी पैसे, पर्याप्त पैसे बचाने के बाद में स्टार्टेड अगेन, और उसने क्या अपनी यात्रा को दोबारा से शुरू किया। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑक्यूरेंस, अनयूजुअल कहते हैं यानी कि असाधारण घटना, यानी कि बिना किसी असाधारण घटना के रीच टू हैम्पटन, यानी कि वो क्या है हैम्पटन पहुंच गया, जो कि उस समय रिचमंड सिटी से 82 मील दूर था जब वह रिचमंड सिटी पहुंचा था। हैड 50 सेंट्स टू बिगिन हिज स्टडी, अब उसको पढ़ाई पर अपने खर्च के लिए, पढ़ाई के लिए उसके पास जो है 50 सेंट्स पैसे उसके पास हो गए थे। द हेड टीचर रीचिंग टू स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू असाइन द क्लास इन फ्रंट ऑफ हेड टीचर, तो उसने क्या अपने आप को क्लास में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने के लिए अपने आप को हेड टीचर के सामने प्रस्तुत किया। Couldn't make a favorable impression. Favorable impression कहते हैं यानी कि एक अपना अमिट प्रभाव उन पर नहीं छोड़ पाए, एक ऐसा impression जिससे कि उनको लगता कि हाँ ये admission लेना चाहता है। Head teacher had doubts. जो head teacher जो मुख्य अध्यापिका है जो वहाँ पर admission cell पर थी, उसके मन में बहुत सारे doubts थे, यानी कि बहुत सारे शक थे टू एडमिट हिम, उसको एडमिशन देने के लिए, बट लेकिन उसने मना नहीं किया, केवल शक थे उसके मन में, डाउट थे, संदेह था कि आज को एडमिशन दो ना दो, लेकिन उसने मना नहीं किया। एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, उसने क्या दूसरे विद्यार्थियों को एडमिशन उनका किया, दैट एडेड ग्रेट डिस्कम्फर्ट फॉर हिम, और इससे क्या है उसकी और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई।
हेड टीचर के सामने अच्छी इम्प्रेशन ना होने के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी फॉर एडमिशन. जो हेड टीचर है, हेड टीचर ऑर्डर्ड हिम टू प्ले एंड स्वीप द रेसिटेशन रूम. रेसिटेशन रूम कहते हैं संगीत कक्ष को, एक ऐसा रूम जहाँ पर जो है संगीत का सामान रखा होता है. तो हेड टीचर ने उसको आदेश दिया कि आपको ये रूम एकदम बिल्कुल साफ करना है. टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने क्या है इसको एक अवसर के रूप में लिया, किसको, रूम को साफ करना. सो स्वैप द रूम 3 times, यानी कि उन्होंने क्या है उसकी सफाई 3 बार की, 3 बार उन्होंने झाड़ू लगाया उस कक्ष में. एंड डस्टेड 4 times, और उन्होंने कपड़े से जो उसको साफ किया वो 4 बार उसको साफ किया. क्लीन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम बाय मूविंग फर्नीचर, जो उस रूम में जितना भी फर्नीचर जितना भी सामान रखा हुआ था तो उन सबको मूव करके इधर उधर करके उन्होंने उसके हर एक कॉर्नर ऊपर से नीचे से हर जगह से हर एक कॉर्नर से उसको बिल्कुल साफ कर दिया. फिर हेड टीचर इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड का मतलब होता है निरीक्षण करना, यानी कि वो आई और उसने क्या है निरीक्षण किया. विद हर हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ कहते हैं रुमाल को, यानी कि जो हेड टीचर थी वो इंस्पेक्ट करने के लिए आई और उसने क्या है अपने रुमाल उसे इस तरीके से फेर करके उसको देखा एंड फाउंड नो डस्ट, और उसको कोई धूल उस पर नहीं मिली रेसिटेशन रूम में कहीं पर. सो अलाउड हिम टू एंटर इंस्टीट्यूशन, और इसीलिए क्या है उसने इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करने के लिए उसको परमिशन दे दी. राइटर वॉज फीलिंग हैप्पीएस्ट सोल ऑफ द अर्थ, हैप्पीएस्ट सोल यानी कि जो लेखक है वो अपने आप को उस इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल आदमी इस समय समझ रहा था कि जब हेड टीचर ने उसको अलाउ किया एडमिशन के लिए हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में. उसके बाद वो बता रहा है कि स्वीपिंग वॉज हिज एग्जामिनेशन, जो सफाई है वो उसका एक एग्जामिनेशन थी. एंड इट वॉज द बेस्ट वन दैट ही एवर पास्ड, यानी कि आगे उसने जितने भी एग्ज़ाम पास किए अपनी पूरी लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम पास किए तो कह रही है उन सभी में सबसे अच्छा उसका एग्ज़ाम था, सबसे अच्छी एग्जामिनेशन थी, इससे अच्छी एग्जामिनेशन उसने नहीं दी है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर हम बात करें इसमें तो स्टूडेंट्स वो कहना चाह रहे राइटर एक हमें मोटिवेट कर रहा है कि हमें अपनी स्टडी के लिए एजुकेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और एक फर्म डिसीजन ज़रूर होना चाहिए जिससे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें. तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. और 11th class, 10th class और 12th class तीनों में से कोई भी क्लासेस इसको बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू.